Hello everyone, welcome to our channel Success EduTech. I am Prashant Jadhav. Today I am taking our first chapter's third point, France abolishes monarchy and becomes a republic. तो इस पॉइंट में हम देखेंगे कि फ्रांस जो था वहाँ की जो प्रजा थी वहाँ से क्या एंड किया प्रजा ने, तो जो राज्य पद्धति थी वो ख़त्म कर दी और उसके बाद फ्रांस रिपब्लिक बन गया यानी प्रजासत्ताक बन गया। तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स अल्दो लुईस 16th हैड साइंड कॉन्स्टिट्यूशन। हमने देखा है कि जब से 16वें लुई के हाथ में जब से कारोबार आया फ्रांस का, तब से सिचुएशन बहुत ही डिफ़िकल्ट होने लगी, यानी राज्य की स्थिति, प्रजा की स्थिति अच्छी नहीं थी। ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रशिया, और कुछ सीक्रेट यानी गुप्त कारोबार था प्रशिया जो देश था उसके विरुद्ध, कुछ उनके गुप्त कारोबार चल रहे थे। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वेयर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। तो जो उसके नेबरिंग कंट्रीज थी, जैसे कि फ्रांस की नेबरिंग जो कंट्री थी, उनको चिंता होने लगी थी क्योंकि फ्रांस का डेवलप हो रहा था, कुछ बहुत से डेवलपमेंटल चीज़ें घट रही थी फ्रांस में, और उसके कारण अदर जो कंट्री थी उनको टेंशन होने लगा था। समर 1789, बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 द डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद जब नेशनल असेंबली में वोट हुआ यानी मतदान पद्धति लागू हुई 1792 को, और डिक्लेयर कर दिया उसके बाद वार जो था, वार यानी युद्ध, किसके विरुद्ध? प्रशिया और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। थाउजेंड्स ऑफ वॉलेंटियर्स थ्रोन फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी, और बहुत से जो स्वयंसेवक थे वो आर्मी में ज्वाइन हो चुके थे। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसिस। तो ये जो लोग थे वो किसके विरुद्ध? जो किंग्स और जो बड़े लोग थे उनके विरुद्ध युद्ध में शामिल हो चुके थे। ऑल ओवर यूरोप, और सभी यूरोप के लोग इसमें शामिल हो चुके थे। अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स दे सॉन्ग वॉज द मार्शलाइज कंपोज बाय द पोएट रोगेट डीले आइसले। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्शलस एज दे मार्श इन टू द पैरिस एंड सो गॉट इट्स नेम। द मार्शलस इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। और ये मार्शलस जो था उसने वो जो सॉन्ग था वो रॉबर्ट डी ईस्ले ने तैयार किया था, और उसमें क्या था तो पैट्रियोटिज्म था यानी देशभक्ति थी, और उसके कारण वो फ्रांस का एक राष्ट्रगीत बन चुका था और वो बहुत ही फेमस हुआ। द वॉलंटरी वॉर्स ब्रॉट लूजेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल वाइल द मैन वेयर वे फाइटिंग द फ्रंट ऑफ वुमन वेयर लेफ्ट टू क्रॉप कॉप को विद द टास्क ऑफ अर्निंग और लिविंग एंड लुकिंग अप टू देयर फैमिलीज। तो उसके कारण बहुत से कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज आने लगी लोगों के सामने, आर्थिक जो उनकी परिस्थिति थी वो बहुत ही बिकट हो चुकी थी, और उसके कारण वुमन जो थी यानी स्त्रियां जो थी वो बहुत ही कठिन दौर से जा रही थी, क्योंकि उनको फैमिली जो थी उनको संभालने में बहुत ही कठिन जा रहा था। लास्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वेयर कन्विंस्ड दैट द रिवोल्यूशन हैड टू बी कैरीड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गिव पॉलिटिकल राइट्स ओनली द रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और 1791 का जो पॉलिटिकल राइट्स था कॉन्स्टिट्यूशन का राज्य घटना का, तो वो केवल रिचर लोगों को यानी जो बड़े लोग थे, धनवान लोग थे, उनको ही अधिकार दे रहा था। पॉलिटिकल क्लब्स बिकम अ इम्पोर्टेंट रैलिंग
point for people who wished to discuss government policies and plan their own forms of action. The most successful of these clubs was that of the Jacobins, which got into the name from the former convent of St. Eumore about their activities and demands. So, section 4, section 4 of this chapter will tell you more about these activities and demands. तो ये जो क्लब था उसके बारे में बहुत कुछ हमें जानने को मिलेगा. किस जो सेक्शन 4 है उसमें हमें ये सब कुछ पता चलेगा कि क्या एक्टिविटीज़ और डिमांड्स थी. द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब्स, यानी जैकोबिन क्लब्स जो था उसकी क्या एक्टिविटीज़ और डिमांड्स है हमें वो पता चलेगा. बिलोंग टू मेनली ऑफ द लेस प्रपोजेस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस सच एज शोमेकर्स, pastry cooks, watch makers, printers, as well as servants and daily wage workers. तो इसमें बहुत से लोग इंक्लूड थे जो कि जिनकी कमाई बहुत ही कम थी, जैसे कि artisans, shop maker, shoemakers, pastry cooks, watch makers, printers, as well as servants. तो इन लोगों को बहुत ही कम महत्व दिया गया था इसमें. Their leader was Maximilian Robespierre's. तो उनका लीडर कौन था? Maximilian Robespierre's. A large group among the Jacobins decided to start wearing long stripped trousers similar to those worn by dock workers. This was themselves apart from the fashionable sections of society, especially nobles who wore knee breeches. तो ये जो उनका नेता था कौन? जैकोबिन्स. तो उसने क्या किया था? लोगों में जागृति फैलाने के शुरुआत किए थे और क्या करना चाहिए ये उन्होंने उनको बता दिया था और कन्विंस भी कर दिया था. तो यहाँ पर एक न्यू वर्ड आया है, कॉन्वेंट, बिल्डिंग बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी डिवोटेड टू रिलीजियस लाइफ. तो रिलीजियस लाइफ में जो जीते हैं उनसे कनेक्टेड ये शब्द है. तो आगे हम देखेंगे एक्टिविटी में कुछ दिया है. क्या दिया है? लुक केयरफुली इन द पेंटिंग द आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स विच आर द पॉलिटिकल सिंबल्स यू सॉ इन द बॉक्स वन ब्रोकन चेन. तो ये हमने ऑलरेडी देखा है कि ब्रोकन चेन, रेड कैप, एसिस और चार्टर स्टैंड फॉर इक्वालिटी, ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रायंगल. यूज द सिंबल्स इन इंटरप्रेट द पेंटिंग. Describe your impressions of the female figure of liberty. तो हमने ये already देख लिया है किसका प्रतीक क्या है. Was the way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of the knee breeches. The Jacobins came to be known to the Sanskritists Clerus, literally meaning those without knee breeches. Sans clerus, men wore, in addition, the red cap that symbolized liberty. Women, however, were not allowed to do so. तो कुछ ऐसे बदलाव भी हुए. जैकोबिन जो था उसने कुछ ऐसे स्वतंत्रता के संबंधित कुछ ऐसे प्रतीक उन्होंने लोगों के सामने रखे. दोज विदाउट नी ब्रीचेस, लिटरली तो सैंस क्लर्स किसे कहते हैं? तो दोज विदाउट नी ब्रीचेस, यानी नी में, यानी हमारे जो पैर का ऊपर का जो पार्ट होता है उसे नी कहते हैं. तो विदाउट नी ब्रीचेस सैंस क्लर्स मैन वोर इन आरिशन. और वो कौन पहनते थे? ऐसा कपड़ा जो कि अपने पैरों का जो ऊपर का पार्ट होता है उस वहाँ तक पहनने का जो कपड़ा है तो उसे नी ब्रीचेस कहा जाता है.
तो दे सिम्बोलाइज लिबर्टी, वुमन वे आर नॉट अलाउड टू डू सो, मगर वुमन को अलाउड नहीं था क्योंकि वो कपड़ा बहुत ही ऊपर था, यानी पैरों के बहुत ही ऊपर, इसी के कारण वो वुमन को अलाउड नहीं था, स्त्रियों को अलाउड नहीं था। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स ब्लंडर एंड इंसुरेक्शंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्सियंस हु वेयर अरेंज्ड टू बी शॉर्ट सप्लाइज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म्ड द प्लेस ऑफ द ट्यूलरीज। ट्यूलरीज यानि वहाँ पर क्या किया था कि समर की जो 1792 की जो समर का जो दिन था 1792 का, उस दिन उन्होंने कुछ प्लान किया था जैकोबिन्स ने। तो क्या किया था, द हाई प्राइसेस ऑफ फूड दे एंग्रेड बाय द शॉर्ट supplies and high prices of food on the morning of August stormed the place to Tuileries, masked the king's guards and killed the king himself to hostages for several hours. Later the assembly ordered them imprison the royal family. Elections were held from now on all men 21 years and above, regardless of wealth. Got the right to vote. तो यहाँ वेल्थ का जो प्रश्न था वो फिर से उभर आया था, वेल्थ यानी संपत्ति, और लगभग 21 ईयर्स के ऊपर के जो एज के लोग थे वो सभी मतदानकर्ता के रूप में वहाँ पर पेश किए गए थे, अपना मत देने के लिए वो वहाँ पर तैयार थे। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन, और एक नई असेंबली वहाँ पर तैयार की गई थी, उसको कन्वेंशन नाम दिया गया था। ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबॉलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस रिपब्लिक, और ये जो फ्रांस था, राजा की जो कीमत थी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी, और यहाँ पर जो लोग थे उनको महत्व प्राप्त हुआ था, लोगों का राज्य प्रस्थापित हो चुका था, और फ्रांस को एक रिपब्लिक माना गया था। एज यू नो द रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और यहाँ पर लोगों को हेड बना दिया गया था गवर्नमेंट का। देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्की, यू कैन ट्राई एंड फाइंड अबाउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक्स एंड इन विच स्टेट when they have they become so। आपने ये देखा है कि मोनार्की यहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी, ख़त्म यानी वो एंड हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। लुइस 16th वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेसन, और लुइस जो था वो क्या किया, क्या हो चुका था, नष्ट हो चुका था, यानी उसको मार दिया गया था, फांसी दी गई थी उसको। On 21 January 1793 he was executed publicly at the Place de la Concorde. The Queen Mary Antoinette met with the same fate shortly after. और पहले लुइस मारा गया, उसको फांसी दी गई Place de Concorde के जगह, और उसके बाद उसकी पत्नी जो थी मैरी एंटोनेट वो भी मर गई। तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये जो लेक्चर है यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।